नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के 5 मिनट 5 वर्ड्स की सीरीज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहिए। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो वर्ड है वो जर और जस से ही है। इससे कुछ वर्ड जो हमने पहले पढ़े वो थे जस्ट, जस्टिस, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिएबली, जस्टिफिएबल एंड प्रिज्योर एंड ऑल दोज वर्ड्स विच वी डिड यस्टरडे। नाउ ये है आपका जो इससे आज जो सबसे पहला वर्ड आया वो है इनजस्टिस। इनजस्टिस हर बच्चे को पता है इसका अर्थ। जस्टिस अगर न्याय है तो इनजस्टिस अन्याय होता है, तो इनजस्टिस को आप लिखेंगे अन्याय। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन, द फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति, बीइंग अनफेयर, अनुचित, एंड ऑफ पीपल नॉट बींग ट्रीटेड इक्वली, जहाँ लोगों को बराबर नहीं ट्रीट किया जाता, एन अनफेयर एक्ट, एक गैर वाजिब या अन्यायपूर्ण कार्य, एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, या किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, यहाँ पर ट्रीटमेंट का अर्थ व्यवहार से है, तो इस तरीके की चीज़ को हम कहते हैं इनजस्टिस। सिनोनिम है द इनजस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, जिसे अनफेयरनेस कहा जाता है, अनजस्टनेस कहा जाता है। अनफेयरनेस, अनजस्टनेस दोनों ही आपका अन्याय होता है। इनइक्विटी असमानता है, क्रूअल्टी क्रूरता है, टिरेनी तानाशाही है, रिप्रेशन दमन है, एक्सप्लोइटेशन आपका जो है शोषण है। ये वर्ड पहले भी आया था आर्टिकल में। करप्शन है, करप्शन आप जानते हैं भ्रष्टाचार होता है। बायस और प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रह, या किसी के साथ अनुचित व्यवहार जो पहले से हम दिमाग में बिठा लेते हैं, ये बुरा बुरा है और अच्छा अच्छा है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है और फर्क भी होता है। इंटॉलरेंस असहनशीलता होती है। हिज सैकिंग वॉज एन इनजस्टिस, ये एक उदाहरण दिया है, उसका जो अन्यायपूर्ण कार्य है उसको भी हम क्या कहते हैं, इनजस्टिस, या गलत कहते हैं, रॉन्ग है, ऑफेंस है। रोंग नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखिएगा। मिसडीड को भी रोंग कहते हैं। यू हैव डन अ लॉट ऑफ रोंग विद समवन, तो यहाँ पे बेसिकली रोंग जो है अन्याय का भी अर्थ देता है। ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑफेंस किसी के साथ क्राइम होता है, सिन पाप है, मिसडीड कुकृत्य है, आउटरेज जो है वो भी आपका किसी के साथ अत्याचार है, एट्रोसिटी अत्याचार है, स्कैंडल भी कुकृत्य होता है, डिस्ग्रेस शर्म होता है, एफ्रंट जो होता है वो बेशर्मी या बदतमीजी होती है। इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो इनजस्टिस से आप हैं। आप किसी के दूसरे के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं उसको भी इनजस्टिस कहा जाता है। अगला जो वर्ड है अनजस्टली, अन्यायपूर्ण तरीके से, ये एडवर्ब होती है, अन्यायपूर्ण तरीके से। जैसे इसका एग्जाम्पल, ही वॉज ट्रीटेड अनजस्टली, ही वॉज ट्रीटेड अनजस्टली, इस तरीके से आपको कई बार इसका एग्जाम्पल देखने में मिल जाएगा। उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया। रीएडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, आप ठीक कर लेते हैं किसी चीज़ को, पुनः एडजस्टमेंट जो होता है उसको, पुनः आप किसी चीज़ को संतुलित करते हैं उसको एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट कहा जाता है। कंज्योर, कॉन्जोर होता है, कौन का मतलब होता है टुगेदर, जोर का मतलब लाना। गलत तरीके से किसी को आप जो है उसको ट्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्जोर। टू डू अ क्लेवर ट्रिक सच एज मेकिंग थिंग्स सीम्स टू अपीयर और डिसअपीयर एज इट बाय मैजिक, कि कैसे जादू से कोई चीज़ अपीयर या डिसअपीयर हो जाती है, उसी से उसको हम कॉन्जोर कहते हैं। तो जादू दिखाना या किसी के साथ छलावा करना, ये उसको हम कंज्योर करना कहते हैं। अब कंज्योर से ही एक वर्ड बना है जो नाउन है, कंज्योरर, जादूगर भी होता है, या जो जो ये जमुरी के साथ आपको तमाशा दिखाने आते हैं जादूगर, उसको भी कहते हैं। ही कंज्योर्ड ए सिगरेट आउट ऑफ द एयर, तो उसको कहता है प्रोड्यूस करना, मेक समथिंग अपीयर है, मटीरियलाइज है, मैजिक करना, समन करना, तो जादू से कुछ बुला लेना उसको भी हम क्या कहते हैं, कंज्योर करना कहते हैं। दूसरे है द पिक्चर दैट हिज वर्ड कंज्योर्ड अप। अब ये कंज्योर अप जो होता है ये फ्रेजल वर्ब होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कंज्योर अप का मतलब होता है टू इमेजिन, टू इमेजिन, या दिमाग में लाना, ब्रिंग टू माइंड, कॉल टू माइंड, इवोक, समन अप, रिकॉल, रिक्रिएट, एको करना,
एल्यूड टू करना, एल्यूड टू का मतलब होता है इशारा करना, सजेस्ट करना, अवेकन करना। तो आप किसी भी चीज़ की तरफ, आप अगर कोई चीज़ को जादुई तरीके से या आप किसी को छलावा देने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको कॉन्ज्योर अप, आप कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं कि कुछ दूसरा व्यक्ति, कुछ उसके दिमाग में कुछ और चीज़ उत्पन्न होती है, उसको कॉन्ज्योर अप करना कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका है एब्जोर। एब्जोर का मतलब टू रिनाउंस, प्रॉमिस पब्लिकली दैट यू विल गिव अप और रिजेक्ट बिलीफ इन अ वे ऑफ बिहेविंग। त्यागना किसी शपथ के साथ, उसको हम एब्जोर करना कहते हैं। इसके सिनोनिम आपके एबनिगेट वगैरह में आपको मिल जाएंगे, उसको एब्जोर करना कहा जाता है। अगला है प्रिजोर। प्रिजोर परजूरी, पहले भी कल परजोर होता है, परजूरी जो वर्ड आया था तो उसी का ही ये वर्ब है। परजूरी नाउन था, परजोर आपका वर्ब है। झूठी गवाही देना कोर्ट में, उसको हम परजोर कहते हैं। झूठी शपथ लेना, लाई अंडर ऑथ है, लाए है, कमिट परजूरी है, गिव फॉल्स एविडेंस और टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी जो होता है, एविडेंस होता है आपका साक्ष्य, और टेस्टिमनी होती है गवाही। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मल फोर्सवेयर वन सेल्फ बी फोर्सवॉर्न, इसका मतलब ये कहना है कि शपथ के तहत झूठ बोलना या कसम उठाकर झूठ बोलना परजोर होता है। ये कुछ वर्ड्स थे जो जर या जस, जो आपका रूट है उससे बने हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी अगला जो सेशन आने वाला है इसके तुरंत बाद, वो है आपका रीडिंग का। सो कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।